भारत और चीन के बीच डोकलाम सीमा विवाद को लेकर फिर माहौल गर्मा गया है। चीन में भारत के राजदूत बम्बावले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता चुनिंग ने कहा कि डोकलाम चीन का हिस्सा है क्योंकि चीन के पास इसका ऐतिहासिक प्रमाण है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल हमारे प्रयासों से डोकलाम मुद्दे को हल किया गया था और यह हमारी समझबूझ से ही संभव हुआ। भारत को इससे सबक लेना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने यह बयान बम्बावले के एक चीनी अखबार को दिए इंटरव्यू के बाद दिया, जिसमें भारतीय राजदूत ने कहा था कि डोकलाम में चीनी सेना की गतिविधियों से डिस्प्यूटेड लैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन ने पहले यथास्थिति बदलने का प्रयास किया था जिससे यह गतिरोध उत्पन्न हुआ था। वहीं चीन डोकलाम के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर रहा है। पिछले दिनों आई खबरों के मुताबिक चीन ने डोकलाम में हेलीपैड भी बना लिए हैं, लेकिन ऐसी खबरों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आज डोकलाम पर चीन को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और देश डोकलाम में किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में उत्तराखंड से चयनित युवाओं को सम्मानित करने के बाद उन्हें संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले समय में आप सभी एक अत्याधुनिक सेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स को आधुनिक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत सी नई पहल की जा रही है।